jump. नमस्कार, आप सबका स्वागत है। किलिमंजारो पर बिताए वो 22 घंटे मेरी जिंदगी का सबसे बेशकीमती वक्त है, और वो वक्त बीत कर भी बीता नहीं। हर एक पल महफूज है और रहेगा मेरे पास। पर्वत बहुत कुछ सिखाते हैं, अपने जैसा मजबूत बना देते हैं। मेरे पैर सुन हो चुके थे, अंगुली पूरी तरह गल गई थी, सांसें बहुत धीमी चल रही थी। मेरे साथ 3 लोग और थे, कुकेमा, पोर्टर और गाइड। ये कहना है अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर 22 घंटे बिताने वाले दुनिया के पहले माउंटेनियर बने 21 साल के मधुसूदन पाटीदार का। झाबुआ जिले के बरवेट में जन्मे मधुसूदन पाटीदार ने दक्षिण अफ्रीका द्वीप के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो पर चढ़कर तिरंगा फहराया। इसी साल मई माह में उसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी फतेह की थी। उसका लक्ष्य दुनिया की 7 सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का है। मधुसूदन अपने पिता गोवर्धन लाल पाटीदार के साथ इंदौर में रहता है। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। इस बार उसने किलिमंजारो पहाड़ी पर चढ़ने का लक्ष्य पूरा किया। एक कुक और एक सामान उठाने वाले के साथ मधुसूदन ने 15 दिसंबर से यात्रा शुरू की। पहाड़ी की ऊंचाई 5,895 मीटर है, जिस पर चढ़ने में उसे कुल 4 दिन का समय लगा। जिस वक्त वे पहाड़ी पर चढ़ रहे थे तब तापमान -30 डिग्री था। मधुसूदन ने बताया, ठंड की वजह से चढ़ाई में काफी परेशानी आई। हम कभी रुकते तो कभी चढ़ाई करते थे। 18 दिसंबर को मैंने पहाड़ की चढ़ाई पूरी की और उसकी चोटी पर तिरंगा फहराया। किलिमंजारो पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा मुक्त खड़ा पर्वत है। मधुसूदन ने बताया कि शरीर में कुछ भी महसूस नहीं होता इतनी ऊंचाई पर। हमने वेस्टर्न ब्रिज का रास्ता चुना जो ज्यादा खतरनाक है। 70 घंटों में हम पीक पर पहुंचे, तब सुबह के 10 बजे थे और तापमान -25 था। हमें भूख लगी थी, इसलिए चोटी पर पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने नूडल्स खाए और फिर कैमरा निकालकर तस्वीरें ली और खुशियां मनाई। इसके बाद 22 घंटे चोटी पर कुछ खा नहीं सके क्योंकि हमारा गैस सिलेंडर फ्रीज हो गया था। मधुसूदन ने बताया कि 19,340 फीट ऊंचाई पर स्थित माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। चढ़ाई के दौरान मेरे पैरों में छाले हो गए थे। उतरते समय आधा सफर मैंने बगैर जूतों के तय किया। अगला लक्ष्य है ऑस्ट्रेलिया का पुनर्जया। हालांकि मैं ऑस्ट्रेलिया के 10 सबसे ऊंचे पहाड़ भी चढ़ूंगा। इस यात्रा में मधुसूदन की एक अंगुली पूरी तरह गल गई थी।